जो पॉलिटिक्स से निकलते हैं और पुनः फिल्मों में आते हैं, 10 वर्ष का तो वो लोगों को चांस मिलता नहीं है। जिस तरीके से अपनी बात को सामने रखा, बहुत ही भावनाओं में आप। मैं कह गया था उसमें आप जी, वो दिल को टच करता है। मैं जिस वक्त नया नया फिल्मों में आया, 2-3 आर्टिस्ट जो है उन्हें खास तौर पे पॉइंट ऑफ व्यू किया था, उसमें से एक में था गोविंदा 49 फिल्म्स कर रहा है, मिथुन चक्रती है, ये चार लोग मिल के इन लोग की इंडस्ट्री है क्या? हेलो हेलो हेलो, नॉक नॉक डोर्स, ये आपका आइटम पूरी दुनिया देख रही है। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। आज मेरे साथ में मेरे फेवरेट एक्टर हैं, एक ऐसे एक्टर जिनकी फिल्मों को मैं कभी भी देख सकता हूं, बार बार देख सकता हूं, एंड देयर समथिंग न्यू ईच टाइम दैट वी वॉच हिम। वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली वन गोविंदा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू सो मच। एंड सर, हम लोग सब आई थिंक आपके फैंस हैं, लेकिन आपके फैंस को एक जो बहुत ज़्यादा एक जिज्ञासा है कि हम आपको बड़े पर्दे पे ज़्यादा क्यों नहीं देख पा रहे हैं। सर, ये तो जिज्ञासा सोचने वाली चीज़ है, जो मैं इसका थॉट नितकर्ष जिसे कहते हैं जी निकाल पाया हूँ, ये है कि सुना भी था और देखा है, जो पॉलिटिक्स से निकलते हैं और पुनः फिल्मों में आते हैं वो लोग, 10 वर्ष का तो वो लोगों को चांस मिलता नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे वो राजेश खन्ना जी हों, चाहे वो सुनील दत्त जी हों, चाहे वो जो एक्टर जो बाकायदा पॉलिटिक्स में गया जी, वो जिस वक्त पुनः आया तो टाइम लग जाता है। सोचने के तौर तरीके चेंज हो जाते हैं आदमी की, क्रियाओं की और उसकी भाषाओं की अलग अपनी सोच हो जाती है। डायरेक्टर्स जो हैं हिचकिचाते हैं काम करने में, ये नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखों के साथ काम करना पसंद नहीं करते, परंतु ऐसा ज़रूर है कि एक सूर्य वर्ग है, एक शुक्र वर्ग है। अब ये दोनों जो वर्ग हैं अपने हिसाब से चलते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट देन व्हेन यू कम अगेन विद योर हार्डवर्क, विद योर सिंसियरिटी वर्क्स, और जो मिला है उसका पहले धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि क्या नहीं मिला है उस पर आप डिस्कस करें तो फिर वही जो आप पहले शेर पढ़ रहे थे कि ज़माना बना देगा आपको, तो बेशक है कि आपको आप जो ऊपर वाले ने जो अता किया है उसका शुक्रिया अदा करें जी। और कहीं ऐसे कुछ कहीं लग रहा है कि यार ये इसमें खामी है, कोताही रह गई, या आपकी तरफ से या कहीं से है, निकालें उसे, कहें, मिलें, समझें। मुझे तो, मैंने तो जो पॉलिटिक्स देखा मुझे यही समझ में आया, क्योंकि इससे परे कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा जो है उसके लिए दुआ करें। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक जिस तरीके से अपनी बात को सामने रखा, बहुत ही भावनाओं में आप। मैं कह गया था उसमें आप जी, वो दिल को टच करता है जी जी। तो इनफैक्ट जो आपने एक बात उसमें आपने जो कही कि स्क्रीन्स नहीं मिल रहे हैं, थिएटर नहीं मिल रहे हैं, फ्राइडे का आपने जिक्र किया कि रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं लेकिन पर्दे से उतर जाती है पिक्चर, तो आपने ये भी एलिगेशन आपने किया है कि कुछ फोर्सेस हैं जो मे बी, ये पहली टाइम नहीं हुआ है। मैं जिस वक्त नया नया फिल्मों में आया, बहुत ही अजीब सा माहौल हुआ था, उसमें 2-3 आर्टिस्ट जो है उन्हें खास तौर पर पॉइंट ऑफ व्यू किया था, उसमें से एक में था, कहे कि ये लोगों ने पूरी फिल्म लाइन दबोच ली, ले कौन, ले मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, जितेंद्र, धर्मेंद्र, गोविंदा 49 फिल्म्स कर रहा है, मिथुन चक्रवर्ती, ये चार लोग मिल के इन लोग की इंडस्ट्री है क्या? काम तो कर रहे हैं, फिल्में तो चल रही थी उस ज़माने में जी जी जी, और ऐसा तो था नहीं कि ये चलन था नहीं उस टाइम पे, लेकिन ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती हुई हम लोग के साथ कि हमें ये सोचना पड़ा कि भाई हम सिर्फ 6 फिल्में ही साइन करें। अब वो समय आ गया तो मैंने सोचा कि सब सीनियर्स कह रहे हैं कि भाई इतना ही करें आप, आधा दर्जन ही फिल्म कर सकते हैं, इसे आगे नहीं कर सकते आप ऐसा एक्टर, फाइन। अब उसका उससे मुझे ये मतलब ये हुआ कि मैं लाइन में सुपर हिट 14 साल तक दी, 91 से मैं जो शुरू हुआ तो वो 16 शबनम, उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं थी, काफ़ी लोगों से मैं पिक्चर छोड़ चुका था हाँ, और ये जो ये सिस्टम शुरू हुआ उस सिस्टम की वजह से मैं वर्क नहीं कर रहा था उन लोग के साथ। बहरहाल अच्छा ही निकला उसे,
अब जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से, मैंने सोचा कि मैं फिर फिल्मों में आऊँ, तो फिर यही है कि जो आपके पार्टी के होंगे वो तो आप छोड़ाए हैं, तो क्यों वो सपोर्ट करने लग गए, और जो नहीं है वो तो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि चाल चलन जो जो शुरू होना है वो कहीं ना कहीं से फाइनेंस होगा तो होगा, फिर उसे कहीं जगह पे रिलीज होगी तो होगी, तो उसके लिए यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू से, ये अपना घर परिवार ही है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे वो समाज हो, यू हैव टू आस्क यू टू से, क्योंकि पहलाज जी के साथ में रंगीला राजा के लिए, मुझे पहलाज जी के साथ में 3 फिल्में हिट दे चुका हूँ पहले जी, और 25 साल बाद उन्होंने वो हिम्मत करने के लिए, मैं देखा कि वो मशहूर रहे हैं कि भाई, तो उन्होंने कहा कि गोविंद मैं फिर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये 2-3 हीरो मिक्स करेंगे और फिर बनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, और उन्होंने इस फिर बना लिए भी, तो मुझे कहा कि भाई मैं आई एम फाइंडिंग इट टफ टू गेट सेंसर, बोले यू बीन द चीफ, बोले हाँ वहीं का कुछ मेरे साथ मैंने देखा है, बोला नहीं नहीं ठहरी ठहरी, बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि किसी न किसी वजह से एक वजह बना के ठहर रहा मामला, तो मुझे अब देखने की हालत पड़ गई है कि कहीं भी पॉलिटिकल तो नहीं है, दैट्स इट, एंड जिस वक्त आप तवज्जो देते हैं तो हो सकता है कि जो लोग कभी ऐसा उनकी ऐसी सोच रही हो और वो अपनी तरफ नहीं देख रहे हों, बाहर दुनिया ही देख रहे हों, तो अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई उनके शौक में गलत कदम उठा रहे हैं वो, तो उस पर तवज्जो तो देना चाहिए, उन्हें कहें तो सही भाई हेलो 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 नॉक नॉक डोर्स, ये आपका आइटम पूरी दुनिया देख रही है, लीव अ गुड एग्जांपल व्हेन यू आर गॉड हैज गिवन अ गुड टाइम एंड बी हैप्पी, बिकॉज एवरीबडी इज गिवन अ गुड टाइम टू परफॉर्म इन देयर वे, इफ यू डोंट लीव अ गुड एग्जांपल इन फ्यूचर पीपल स्टार्ट थिंकिंग towards you with that experience you have given to them in your way. Absolutely. So, acha hai, good, bad and ugly, it's so nice to see everybody.